अभी सेटल हो गए ना सर, पूरा ध्यान दो, अभी आवाज नहीं होने, दिन अच्छा है, अच्छा ही रखेगा, खराब नहीं करेगा। स्पाइनल पार्ट, स्पाइनल पार्ट इज पोस्टीरियर मोस्ट एंड इंफीरियर मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ हाइंड ब्रेन, ठीक है, ब्रेन का एक्सटेंशन ही बोल रहा मैं, एक्सटेंशन ऑफ हाइंड ब्रेन, इसका एक्सटेंशन है। अब हाइंड ब्रेन की अगर बात कर रहे थे तो हाइंड ब्रेन में आप देखो कुछ चेंजेस देखने मिले थे फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के कंपैरिजन में। हाइंड ब्रेन में मेटल जो है वो डिफरेंट तरीके से प्लेस किया गया था एज कंपेयर टू फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन, ठीक है। अब ये जो स्पाइनल पार्ट है, स्पाइनल पार्ट इज कवर्ड विद ऑल द थ्री मेनिंजेस, जो तीन मेनिंजेस प्रेजेंट है वो तीनों के तीनों मेनिंजेस स्पाइनल पार्ट के ऊपर भी प्रेजेंट है। और ये जो स्पाइनल पार्ट है ये किसके अंदर है, ये है वर्टिब्रल कॉलम के, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक कैनाल प्रेजेंट है, ठीक है, वो कैनाल में बहुत अच्छे से स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है थ्रू एंड थ्रू, यानी स्टार्ट होता है बिल्कुल मेड्यूला के नीचे से और कंटिन्यूअसली चलते रहता है। ये जो कैनाल है ये कैनाल कहाँ तक देखने मिलेगा तुम्हें, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर का, ये कैनाल तुम्हें सर्वाइकल वर्टिब्री में देखने मिलेगा, थोरेसिक वर्टिब्री में देखने मिलेगा, लंबर वर्टिब्री में देखने मिलेगा और सैक्रम के कुछ पार्ट में देखने मिलता है। क्यों? क्योंकि जब सैक्रम वर्टिब्री से सैक्रल बोन बन जाता है तो सैक्रल बोन में वो जो जगह है खाली, वो खाली जगह भर जाती है, वहां पे तुम्हें देखने नहीं मिल पाता। तो कहाँ तक देखने मिलता प्रोमिनेंटली, लंबर तक, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि लंबर तक बड़े अच्छे से स्पाइनल कॉर्ड अपने को देखने मिलता है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये स्पाइनल कॉर्ड के डायमेंशन होगी, इसकी लेंथ होगी और इसकी ब्रेथ होगी, ब्रेथ भी बोल सकते हैं या विड्थ भी बोल सकते हैं। लेंथ होती है अराउंड 40-45 सेंटीमीटर और विड्थ होती है अराउंड 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों डायमेंशन याद रखने, लेंथ होगी 40-45 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर के अराउंड लेंथ होती है। अब ये लेंथ डिपेंड करेंगे उसके ग्रेड के ऊपर, पोस्चर के ऊपर, ऑटोमेटिकली अगर हाइट कम ज्यादा होती है तो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कम ज्यादा होगी, पर विड्थ ऐसा बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, विड्थ अराउंड 2.5 सेंटीमीटर ही होती है। क्यों? क्योंकि विड्थ लाने के लिए वर्टिब्रल कॉलम में उतनी खाली जगह प्रेजेंट होना चाहिए और जितनी जगह प्रेजेंट रहेगी उतना ही बड़ा रहेगा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब दो स्पाइनल वर्टिब्रल, दो वर्टिब्री जो होते हैं, दो वर्टिब्री के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कोई भी दो वर्ड कार्टिलेजिनस पैड, वो कार्टिलेजिनस पैड दो वर्टिब्री के बीच में प्रेजेंट है। तो ये पहली वर्टिब्री, ये दूसरी वर्टिब्री, दोनों वर्टिब्री एक दूसरे के ऊपर है और बीच में कार्टिलेज का पैड। अब पहले वर्टिब्री के अंदर से निकला है स्पाइनल कॉर्ड और वो दूसरे वर्टिब्री में जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो स्पाइनल कॉर्ड कार्टिलेज के बीच में से जाएगा, तो कार्टिलेज में भी अपने को कैनाल देखने मिलेगा जैसा वर्टिब्रल कॉलम में देखने मिल रहा है। तो काफी चांसेस है कि जब अपन वेट उठाते हैं या वर्टिब्रल कॉलम को कोई इंजुरी होती है तो वो जो कार्टिलेज है वो वहां से सरक जाए थोड़ा सा साइड में, अगर वो कुछ सेंटीमीटर भी सरक जाता है, सेंटीमीटर नहीं, अगर कुछ मिलीमीटर भी सरक जाता है, कुछ मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर भी अगर वो कार्टिलेज सरक जाता है तो इसके ऊपर प्रेशर डालेगा वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, और स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्टली रेफर करता है अपने करस्पॉन्डिंग बॉडी पार्ट। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से चालू हुआ है, ऐसा मान के चलो गले से चालू हुआ है, कहाँ तक चला, तो एब्डोमेन के निचले पार्ट तक चल रहा है, पीछे पीठ के निचले पार्ट तक, ठीक है। तो गले से स्टार्ट हुआ और पीठ के पिछले पार्ट तक चल रहा है, तो वो जहाँ जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ के करस्पॉन्डिंग पार्ट को वो सप्लाई करना। जैसा फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल पार्ट में अगर प्रेजेंट है तो सर्वाइकल पार्ट में दोनों हाथों को सप्लाई करना, गले को सप्लाई करना। जब वो थोरेसिक पार्ट में आया तो थोरेसिक पार्ट में जितने भी ऑर्गन है सबको सप्लाई करा, फिर लंबर में आया तो लंबर के पूरे पार्ट्स को सप्लाई करा, फिर पेल्विक में उसके कुछ फाइबर्स आए तो दोनों लिम्स को सप्लाई करा। अगर स्पाइनल पार्ट को कहीं पे भी कुछ इंजुरी होती है तो वो जहाँ पे सप्लाई कर रहा है उस पार्ट को इंजुरी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पाइनल पार्ट है ये पूरे बॉडी को सप्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। किससे सप्लाई करता है? 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व के कितने पेयर है अपने पास? 31 पेयर। अब जैसे जैसे स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं अपन, तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से जैसे 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 नीचे आएगा, धीरे 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 एक पोजीशन आएगी, खास करके L2 पोजीशन, यानी लंबर सेकंड वर्टिब्री पोजीशन। ये लंबर सेकंड वर्टिब्री पोजीशन पर ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड टेपर होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? टेपर हो जाएगा। टेपरिंग का मतलब समझ में आता? टेपर रूप पड़े थे अपन 11 तक, जिसको बोले थे अपन ने कोनिकल रूट। कोनिकल रूट यानी जैसा कैरेट, कैरेट का शेप ऊपर रहता है रॉड, जैसे जैसे अंदर जाते नीचे जाते हैं अपन, वो क्या होते जाता है? टेपर होते जाता है, यानी करस्पॉन्डिंगली उसकी विड्थ क्या होती जाती है? कम कम होती जाती है, ठीक है। वो जो टेपरिंग का फिनोमिनन है, वो टेपरिंग का फिनोमिनन यहाँ पे देखने मिलता है, यानी L2 वर्टिब्री के बाद उसकी विड्थ 2.5 सेंटीमीटर रहेगी क्या? नहीं, 2.5 सेंटीमीटर से
कम होते जाएगी, यानी छोटा होते जाएगा, कोन जैसा होते जाएगा। आइसक्रीम का कोन हाथ में पकड़े हो ना, कैसा रहता, ऊपर से ब्रॉड रहता, नीचे से टेपर रहता ना, पॉइंटेड रहता, तो क्या हो रहा है, टेपर हो रहा है, तो वैसे टेपरिंग देखने मिलती है। उस फिनोमिनन को बोला जाता है कोनस मेडुलरिस। ये जो टेपरिंग हो रही है, ये टेपरिंग को बोला जाता है कोनस मेडुलरिस। क्या बोला जाता है, कोनस मेडुलरिस। अब ये जो टेपरिंग हो रही है, तो ये टेपरिंग से काफी सारे छोटे छोटे फाइबर्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं, फाइबर्स निकल रहे हैं। ये फाइबर्स को बोला जाता है फाइलम टर्मिनल। फाइबर्स को बोला गया फाइलम टर्मिनल। और ये जो फाइबर्स है, ये फाइबर्स बंच में देखने मिलते हैं अपने को। और ये बंच कैसे देखने मिलता, जैसे पूनी होती है तुम्हारी बालों की, यहाँ घोड़े की पूछ होती है, बंच में होते हैं हेयर्स, ठीक है, तो ऐसा देखने मिलता है, इसीलिए उसे बोलते हैं कॉडा इक्विना। तीनों टर्मिनोलॉजी का मतलब अलग अलग है। डायग्राम में अपन पहले तो दिखा सकते, कॉडा इक्विना नहीं दिखा सकते। कॉडा इक्विना का मतलब जो भी फाइबर्स है, वो फाइबर्स कैसे कलेक्शन में, बंडल में है, फाइबर्स एक दो नहीं है, बंडल में है। जैसा फॉर एग्जाम्पल पूरे बाल तुम्हारे एक जगह पर इकट्ठा कर दिए और रबर बैंड से अपन ने टाई कर दिए, तो बंच में प्रेजेंट है ना वो बाल, वैसे पूरे फाइबर्स जब बंच में प्रेजेंट रहेंगे तो उसे बोला जाएगा कॉडा इक्विना। वो जो फाइबर्स है, वो फाइबर्स को बोला गया फाइलम टर्मिनल। और जो स्पाइनल पार्ट का पार्ट है लास्ट वाला, उसे बोला कोनस मेडुला। अगर डायग्राम में देखते तो ऐसा देखने मिलेगा अपने को, या ऐसा टेपर होते हुए दिखेगा अपने को। तो ये होगा कोनस मेडुलरिस। ये कोनस मेडुलरिस से ऐसे फाइबर्स निकल रहे, तो ये फाइबर्स हुए फाइलम टर्मिनल, ठीक है। जब ये पूरे फाइबर्स बंच में आ जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी, तो ये बंच को क्या बोलेंगे, कॉडा इक्विना। तो ये एक बंच हो जाएगा, ये एक बंच हो जाएगा। अरे वेटिंग के बट और ये टॉप टू बॉटम तक, यानी ऊपर से नीचे तक, ये टिप तक कंटिन्यूअसली किससे कवर्ड है, मेनिंजस से। वो याद रखना, तीनों मेनिंजस प्रेजेंट है, ड्यूरामेटा, एरेक्नॉइड और पायामेटा, तीनों के तीनों मेनिंजस बहुत अच्छे से कवर करके रखते हैं। क्लियर हो रही है पिक्चर। दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कुछ जगह प्रेजेंट होती है जहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, तो वो जो जगह है जहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, वहीं से दोनों साइड में स्पाइनल नर्व निकल आती है। ये जो 31 पेयर बोल रहे हैं ना स्पाइनल नर्व की, ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है तो बाहर आ रही है, तो कहाँ से निकल रही है, वर्टिब्रल कॉलम में जगह नहीं होती, दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, वो स्पेस में से बाहर निकल, दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है ना, वो स्पेस में से बाहर निकल रही है ये स्पाइनल। जैसे दिवाली की सीरीज लगाते हैं अपन, बिल्कुल वैसे सीरियल लाइन ऑफ सीरीज में दिख रहा है अपने को, पूरे एक लाइन में दिख रहा है अपने को कि कंटिन्यूअसली निकलते जा रही है। यानी क्रॉस की अगर डायग्राम देखते हैं तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये स्पाइनल कॉर्ड के ऐसे पोजीशन से ये निकलते जा रहे हैं। तो जब वो नर्व निकल रही है, तो नर्व कोई भी नर्व को अगर पकड़ते अपन, तो नाम कैसे देते हैं नर्व को, वो कौन से सर्वाइव, कौन से वर्टिब्री के नीचे से निकल रही है। जैसा C1 के नीचे से निकल रही होगी तो उसका नाम होगा C1 स्पाइनल नर्व। L1 के नीचे से निकल रही होगी तो उसका नाम होगा L1 स्पाइनल नर्व। तो बड़ा कॉमन है, उसे नाम देना बड़ा आसान है, जिस तरह से वर्टिब्री है उस तरह से नाम दिए जाते हैं। बस यहाँ पे एक चीज जो एक्स्ट्रा में याद रखनी है कि पहली स्पाइनल नर्व पहले सर्वाइकल वर्टिब्री के ऊपर से बनती है, ठीक है। यानी एक सर्वाइकल स्पाइनल नर्व ज्यादा है एक सर्वाइकल वर्टिब्री के कंपैरिजन। सर्वाइकल वर्टिब्री कितने अपने पास, 7 है, स्पाइनल नर्व सर्वाइकल वाले 8 है, 8 है। अल्टीमेटली बट क्या बोला मैं, हर स्पाइनल नर्व वर्टिब्री के नीचे से निकल रही है, पहली स्पाइनल नर्व सर्वाइकल वर्टिब्री के ऊपर से निकल रही है, तो एक एक्स्ट्रा होगी ना, बाकी सब ऑर्डर ऑफ प्रिसिडेंस में चलते रहेगा। यानी C8 8 सर्वाइकल नर्व स्पाइनल नर्व रहेंगे, थोरैसिक के 12 सर्वाइकल, थोरैसिक के 12 स्पाइनल नर्व रहेंगे नंबर के 5, ठीक है। और बाद में सैक्रल और ऑफिशियल का तो पता ही है, वो कंपैरेटिवली उसी तरह से काम करते रहता है। और अपने बॉडी के ईच एंड एवरी आस्पेक्ट को स्पाइनल नर्व सप्लाई करती है। स्पाइनल नर्व बनते समय भी बड़े खूबसूरत तरीके से बनती है, पॉइंट जैसे अपन देखेंगे आगे समझ में आएगा। अंडरस्टूड, याद है समझ में। अब ये जो स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड को इंटीरियरली पढ़ने के लिए, ये तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ने के लिए कोई भी एक सेगमेंट पर उसे कट कर दे। जैसा ये पूरा स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड है, या स्पाइनल कॉर्ड को कोई भी एक लेवल पर तो काटो, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन हो इसका, अगर कोई भी एक लेवल पर कट करते हैं, मोस्ट प्रिसाइसली अपन कौन से लेवल पर कट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को,
तुम्हारे हिसाब से कौन से लेवल पर कट करना चाहिए, सर्वाइवल, थोरैसिक, लंबर या सेक्टर? क्यों
तो ट्रांसफर सेक्शन की बहुत अच्छे डायग्राम के रूप में लिख लीजिए क्या यस। नीचे का इंटीरियर पार्ट, ऊपर का पोस्टीरियर शेप कैसा दिख रहा है शेप फाइनल पार्ट का ट्रांसफर कट लेने के बाद? सबसे पहले बटरफ्लाई जैसा कुछ तो भी दिख रहा, ज्यादा प्रिसाइजली नहीं बोल रहे अपन, पर अपन ऐसा तो बोल सकते हैं कि कुछ तो भी बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये ऐसा पूरा एंड टू एंड ऐसा सर्कल होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या बना, ये सर्कल के कंपैरिजन में निक बनी, ये इमेजिनेट हुआ इधर, ये भी इमेजिनेट हुआ इधर। ठीक है, ये जो इमेजिनेशन है इसको बोला जाता है फिशर। क्या बोला जाता है इसे? फिशर। मेडिकल लैंग्वेज में इस इमेजिनेशन को बोलते हैं फिशर। ये फिशर भी बीच में और ये फिशर भी बीच में, ये एंटीरियर साइड में है, ये पोस्टीरियर साइड में, इसीलिए इस फिशर का नाम होगा एंटीरियर मीडियन फिशर। क्या होगा? और ये वाला पीछे है, इसीलिए इसका नाम होगा पोस्टीरियर मीडियन फिशर। बराबर, कौन सा ज्यादा डीप है, एंटीरियर डीप है या पोस्टीरियर डीप? एंटीरियर डीप। ठीक है, पोस्टीरियर डीप नहीं। अब ये जो पोस्टीरियर फीचर है, ये पोस्टीरियर फीचर तो यही तक है, पर उसका एक्सटेंशन अपने को थोड़ा सा अंदर देखने को। ये देखो, ये फीचर का फीचर ही अंदर जा रहा है, यहाँ पे ये फीचर पहुंचा क्या अंदर, फीचर यही पे टर्मिनेट हो गया, पर उसका एक सिप्टम अंदर गया, सिप्टम अंदर गया, इसीलिए इस पार्ट को बोला जाता है पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम। इसे बोलते हैं पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम। क्या बोल रहे हैं? क्लियर हुई पिक्चर? अभी ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर व्हाइट मैटर से बना। क्यों व्हाइट मैटर से बना? क्या क्या एक्सटेंशन है ये? वेरी गुड। अब हाइंड ब्रेन में लास्ट पार्ट कौन सा था? मेडुला में कहां व्हाइट मैटर था, कहां ब्लैक ग्रे मैटर था? व्हाइट मैटर और इंटर तो स्पाइनल कॉर्ड उसका ही एक्सटेंशन, यहां पे आओ क्या देखने मिलेगा और इंटरनल। तो ये पूरा स्ट्रक्चर व्हाइट मैटर से बना है, तो अंदर का स्ट्रक्चर ग्रे मैटर से, तो ग्रे मैटर से क्या बना है वो देखते हैं अपन। तो देखो ग्रे मैटर, लास्ट में बातें मत कर, ठीक है, डायग्राम की तरफ ध्यान देने का, कैसे डायग्राम बना रहे हैं अपन ने कितने सेगमेंट बनाए, कितने आर्म दिख रहे हैं, छः 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 आर्म सर, एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसा नहीं बोला कितने कंप्लीट आर्म सर, मैं सिर्फ आर्म्स बोला, तो उसमें कंप्लीट भी आएंगे और इनकम्प्लीट भी आएंगे, तो छः आर्म सर, उसमें से चार कंप्लीट है, दो इनकम्प्लीट है, ये पूरे के पूरे आर्म्स बीच में प्रेजेंट है, तो कौन से मैटर से बने होंगे, कौन से मैटर से बने होंगे? ग्रे मैटर। बाहर का स्ट्रक्चर ये अपने को कंपेरेटिवली डार्क का कलर में देखने मिलेगा, ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है ये कंपेरेटिवली अपने को डार्क कलर का देखने मिलेगा, तो ये डार्क कलर का रहेगा, ये ग्रे मैटर से बना है, ग्रे मैटर से बना है, और इसको छोड़ के बाकी का जो भी मैटर है स्पाइनल कॉर्ड में वो कौन सा है? व्हाइट मैटर। तो यहाँ होगा व्हाइट मैटर और बीच में है ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर के बीच में एक सेंट्रल में ओपनिंग देखने मिल रही है अपने को, वो सेंट्रल की जो ओपनिंग है वो ओपनिंग को क्या बोलेंगे अपन? सेंट्रल का। वेरी गुड, सबसे सेंटर में पूरे स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में, इसीलिए इसे बोला जाता है सेंट्रल कैनाल। क्या बोल रहे हैं इसे? सेंट्रल कैनाल। और ये जो सेंट्रल कैनाल है, ये सेंट्रल कैनाल के अंदर कौन से सेल देखने मिलेंगे? और वो सेंट्रल कैनाल के अंदर तुम्हें देखने मिलता है।
वो जो सी एस एफ है वो सेंटर में काफी सेंटर में और बहुत अच्छे से सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, बाहर हिस्से में नहीं है। अब एंटीरियरली अपन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डॉर्सल वेंट्रल पक्का, एंटीरियरली कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पोस्टीरियरली कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डॉर्सल। तो ये हुआ वेंट्रल, ये पार्ट हुआ डॉर्सल। तो ये जो हॉर्न है देखो ये इसको बोलेंगे अपन, ये जो पार्ट है देखो तीन नाम दे रहा हूं, ये हुआ डॉर्सल, एंटीरियर में कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एक दो बात जगह नहीं है, मैं यहां पे एक्सटेंशन बना रहा हूं डायग्राम का। तो देखो ये है वेंट्रल हॉर्न, ये है वेंट्रल रूट, और नीचे जो आई वो हुई वेंट्रल नर्व, नीचे जो आई उसका नाम क्या है, वेंट्रल नर्व। वैसे यहाँ पे तीन नाम, ये रहेगा डॉर्सल हॉर्न, ये हुआ डॉर्सल रूट, और ऊपर रहेगी डॉर्सल नर्व। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रूट एंड हॉर्न, क्या फर्क दिख रहा है तुमको रूट और हॉर्न, डायग्राम को अच्छे से देखो। जो स्पाइनल कॉर्ड के बॉर्डर पर है, जो स्पाइनल कॉर्ड के बॉर्डर पर है ग्रे मैटर, उसको बोले अपन ने रूट, क्यों, क्योंकि वो पार्ट स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलने वाला है। जो जैसा प्लांट सॉइल से ऊपर आता है, सॉइल से बाहर निकलता है, जो रूट से बाहर निकल रहा है तो स्टेम बोल रहे हैं अपन, इसीलिए इसको रूट बोले, क्योंकि ये यहाँ से बाहर आके क्या बना रहा, नर्व बना रहा। तो जो बिल्कुल लग के सरफेस को, सरफेस को जो लग के पार्ट प्रेजेंट है उसे बोला जाता है रूट, और उसके पोस्टीरियर में जितना भी पार्ट है उसको बोलते हैं हॉर्न। आई बात समझ में, तो ये जो इतना पार्ट है ये ही होगा रूट, यहाँ पे भी ये जो इतना पार्ट है ये ही होगा रूट, ठीक है। पोस्टीरियर में क्या होगा, हॉर्न, पोस्टीरियर भी होगा हॉर्न। अब यहाँ पे एक तीसरा सेगमेंट भी प्रेजेंट है, यह है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लैटरल हॉर्न, क्या बोलेंगे इसको, तो लैटरल हॉर्न देखो बन तो गया पर यहीं पे खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। हो सकता है ऐसा कि कुछ सालों बाद, कुछ सालों बाद यानी अराउंड 100 मिलियन और 1000 मिलियन ईयर बाद यहाँ पे भी तुमको एक तीसरी नर्व देखने मिले। अगर एडिशनल फंक्शन करना होगा तो एडिशनल कंट्रोल लाना पड़ेगा, और वैसे भी ह्यूमनों की कंटिन्यूअसली मल्टीटास्किंग होते जा रहा, मल्टीटास्किंग होते जा रहा है ना, अपना जो ब्रेन है वो कंटिन्यूअसली इवोल्यूशनरी फेज में प्रेजेंट है। अब इवोल्यूशनरी फेज में प्रेजेंट होने के कारण कंटिन्यूअसली चेंजेस मॉडिफिकेशन अडेप्टेशन होते जा रहे हैं ब्रेन, तो वो अडेप्टेशन में वो जो लैटरल हॉर्न है वो और ज्यादा ग्रो हो सकता है। लैटरल हॉर्न अगर ग्रो होगा तो लैटरल रूट बनेगा, और लैटरल रूट आगे जाके लैटरल नर्व बनाएगी, वो लैटरल नर्व दो दिन में तो नहीं बनने से रही, उसको काफी साल लगेगा, लंबा समय लगेगा, हो सकता है एक दो इम्पोज लगेंगे, 10-15 ईरा लगेंगे, बहुत लंबा समय होता है। 100 मिलियन और 1000 मिलियन ईयर्स छोटा टाइम पीरियड नहीं है, उतने समय बाद हो सकता है वहां से बने, क्योंकि जगह बना के रखी है उसने नर्व बनाने के लिए, अभी तो फिलहाल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब ये पूरे सिस्टम में अपने को न्यूरॉन्स देखने मिलते हैं, न्यूरॉन कहाँ देखने मिलेंगे, ग्रे मैटर में या व्हाइट मैटर में, जल्दी जल्दी बोलो, ग्रे मैटर में देखने मिलेंगे या व्हाइट मैटर में देखने मिलेंगे, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर में नहीं मिलेंगे। फिक्स क्या पहले वो कर लो, अगर 50-50 मत खेलोगे तो डायग्राम देखो मुझे दी नहीं है वो, तो उसमें क्लियर हो जाता है। चलो कहाँ रहेगा ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड, कौन से टिश्यू से बना, न्यूरल टिश्यू से, न्यूरल टिश्यू बनाने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, तुमको ग्रे मैटर में भी देखने मिलेगा, व्हाइट मैटर में भी देखने मिलेगा न्यूरॉन, ऐसा स्पेसिफिकली थोड़ी बोलते हैं अपन की ग्रे मैटर में मिलेगा या व्हाइट मैटर में मिलेगा। हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि ग्रे मैटर में तुम्हें न्यूरॉन का एक पार्ट देखने मिलेगा, तो व्हाइट मैटर में न्यूरॉन का एक पार्ट देखने मिलेगा, ठीक है। अब यही स्पाइनल कॉर्ड को, यही स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन एक छोटे लेवल पर कंप्लीट बना रहे अपन, ठीक है। जैसा फॉर एग्जाम्पल ये स्पाइनल कॉर्ड हुआ, यहाँ पे लेबलिंग नहीं कर रहा, ठीक है, पर तुम्हें ऐसे ही समझना है कि एंटीरियर जो नीचे था यहाँ पे भी एंटीरियर नीचे, यहां से जो नर्व निकल रही है इस नर्व का नाम क्या हुआ, कौन सी नर्व, डॉर्सल नर्व।
और ये कौन सी नाम है? वेंट्रल नर्व। ये नर्व आगे की और ये दोनों ऐसे यूनाइट होते हैं, फ्यूज होते हैं, ठीक है। डायग्राम को अच्छे से देखना, स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड में से दो ब्रांचेस निकले, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। ये डॉर्सल और वेंट्रल दोनों नर्व आगे का और यूनाइट हो, यूनाइट होने के बाद इन्होंने एक नर्व बनाई, दिख रही है ये? तो ये जो बंच है जिसको सर्कल किया हमने, ये जो बंच है इस बंच को बोला जाता है स्पाइनल नर्व। क्या बोला जाता है इसको? तो जैसा सेट इस साइड में बना बिल्कुल वैसा का वैसा ही सेट इस साइड में बने, यानी एक लेवल पर दो स्पाइनल नर्व देखने मिले। और वो स्पाइनल नर्व बनाने के पीछे किसका हाथ है? दोनों कंपोनेंट का हाथ है, डॉर्सल नर्व का भी है और वेंट्रल नर्व का भी। तो इनको कंपोनेंट ऑफ स्पाइनल नर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंपोनेंट। और वो जो स्पाइनल नर्व है, वो स्पाइनल नर्व आगे जाके तीन पार्ट में डिवाइड होगी। दिख रही है स्पाइनल नर्व के तीन डिवीजन? तीन डिवीजन दिख रहे क्या? ये एक, ये दो और ये तीन, ठीक है। तो तीन डिवीजन है। तीन डिवीजन कौन कौन से उसके? एक है रैमस डॉर्सलिस, एक है रैमस वेंट्रलिस और एक है रैमस कम्युनिकस। नाम बड़े ही सिंपल है। रैमस ब्रांच यानी रैमस, ये डॉर्सल एस्पेक्ट में प्रेजेंट है, इसलिए ये हुई रैमस डॉर्सलिस, ये हुई रैमस वेंट्रलिस और ये हुआ रैमस कम्युनिकस, ठीक है। रिफ्लेक्स में पड़ेगी अपन, पर फिलहाल याद रखना है तुम्हें कि डॉर्सल नर्व और वेंट्रल नर्व दोनों यूनाइट हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? तो डॉर्सल नर्व और वेंट्रल नर्व दोनों कंपोनेंट एक हो गए और बनी स्पाइनल नर्व। और वो स्पाइनल नर्व आगे जाके डिवाइड हुई तीन ब्रांचेस में, रैमस डॉर्सलिस, रैमस वेंट्रलिस और रैमस कम्युनिकस। क्लियर हो रही है पिक्चर? इसमें रैमस डॉर्सलिस यानी वन और टू नंबर जो है ये नर्व आगे जा रही है, रैमस कम्युनिकस जो है वो टर्मिनेट हो गया। और यहाँ पे बल्ज आउट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो बल्ज आउट स्ट्रक्चर है, ये बल्ज आउट स्ट्रक्चर को बोला जाता है गैंग्लियन। क्या बोला जाता है इसे? गैंग्लियन। और ये गैंग्लियन जो है ये सेल्फ ऑटोनॉमस है, इसीलिए ये सिंपैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसको कंट्रोल करने में मदद करता है सिंपैथेटिक सिस्टम। इनफैक्ट इस गैंग्लियन को ही सिंपैथेटिक गैंग्लियन बोलते हैं। और सिंपैथेटिक सिस्टम की बात की तो कौन सा नर्वस सिस्टम आता है? ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब पैलिएट क्यों केयर की तरफ बढ़ रहा है? अपन अभी का जो मेडिकल साइंस है वो जरा पैलिएशन की तरफ बढ़ रहा है। जैसा फॉर एग्जांपल कोई कैंसर का पेशेंट है, वो कैंसर के पेशेंट को ट्रेमेंडस पेन हो रहा है, ट्रेमेंडस पेन हो रहा है, तो पॉसिबल नहीं है कि रोज के रोज उसको मॉर्फिन दे। अपन जैसा मॉर्फिन और कोडिन जैसे उसको पेन ट्रीम करने के लिए, पेन कम करने के लिए, पर वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अब्यूज वाला ड्रग है, बहुत जल्दी से एडिक्शन हो जाता है उसका। रिलीव तो करता है मॉर्फिन उसके पेन को, पर एडिक्शन हो जाता है, वो बहुत अच्छे से आदि हो जाता है उस चीज का, लत लग जाती है उसको, फिर वो छुटती नहीं है। यानी वो गोली नहीं है मतलब उसको नींद नहीं आती, खाना नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। वैसा नहीं होना चाहिए, पर पेन तो हो रहा है, तो पेन कम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा अपने बॉडी में। वो लोकलाइज पार्ट का पेन होने के पीछे जिसका हाथ है ये गैंग्लियन, तो अपने को अगर देना नहीं है उसको गोली और एडिक्शन होने से रोकना है और दर्द भी नहीं होने देना, तो बहुत अच्छा तरीका है वो ये, जिस पार्ट का पेन हो रहा है उस पार्ट को सप्लाई करने वाली जो स्पाइनल नर्व है वो स्पाइनल नर्व के गैंग्लियन को निकाल, कट करके निकाल। अगर वो गैंग्लियन निकल गए, यानी तुमने सिंपैथेटिक सिस्टम निकाल दिया, वहां का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं है अभी, तो पेन की बात नहीं। क्योंकि जितने भी सिग्नल आ रहे बॉडी से स्पाइनल पार्ट के तरफ रिफ्लेक्स के तौर पर या मैसेज के तौर पर, वो स्पाइनल नर्व के जरिए से आ रहे। तुमने अगर गैंग्लियन को कट करके निकाल दिए, छेड़े नहीं से कट करके निकाल दिए, तो वहां का न्यूरोनल सर्किट ब्रेक हो गया ना, न्यूरोनल सर्किट ब्रेक हो गया तो आ रहा गया मैसेज अभी, तो पेन दर्द कुछ होगा क्या? नहीं। पर जितने आसान तरीके से बता रहे अपन उतना आसान होता नहीं है, पहली। और दूसरा, हर चीज का अगर एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा ही लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में उसका पेन तो रिलीव हो जाएगा, पर लॉन्ग टर्म में उसको बाकी की चीजें का प्रॉब्लम भी हो सकता है। जैसा फॉर एग्जांपल वो सिंपैथेटिक गैंग्लियन से पेन को ही तो नहीं कंट्रोल कर रहा, पेन के साथ साथ काफी सारे फंक्शन से वो कंट्रोल कर रहा है। तो पेन को खत्म करने के लिए तुमने निकाल लिया उसको, और वो निकालते हैं काफी जगह पर निकालते हैं, तो पेन को खत्म करने के लिए अगर निकाल दिया अपन ने वो सिंपैथेटिक गैंग्लियन, पर बाकी के भी फंक्शन चले गए तो उसके साथ उसके नॉर्मल वाले, तो नॉर्मल फंक्शन जाने के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना उसे। आर गेटिंग द पॉइंट? इस तरह के चेंजेस देखने मिलते हैं आपको। तो स्पाइनल नर्व के कंपोनेंट याद रखना। अब ये जो स्पाइनल नर्व है, ये स्पाइनल नर्व को बनाने के लिए डॉर्सल नर्व है और वेंट्रल नर्व। डॉर्सल नर्व को ही मोटर नर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेंट्रल नर्व को ही सेंसरी नर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंसरी नर्व। या वेंट्रल नर्व को ही बोला जाता है एफरेंट नर्व, एफरेंट नर्व। और इधर डॉर्सल और मोटर नर्व को ही बोला जाता है
की फ्रंट नर्व, देखो कितने नाम है, एक नर्व के तीन नाम है अपने पास, उसको वेंट्रल बोल सकते हैं, उसको सेंसरी बोल सकते हैं, उसको एफरेंट बोल सकते हैं, दूसरे को डॉर्सल बोल सकते हैं, एफरेंट बोल सकते हैं या मोटर बोल सकते हैं, ठीक है। अब अपने पास तीन प्राइमरी न्यूरॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तीन न्यूरॉन प्रेजेंट रहते हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में, कहां से कहां तक, तो डॉर्सल रूट से वेंट्रल रूट तक, क्या बोल रहा हूं, डॉर्सल रूट से वेंट्रल रूट तक एक न्यूरॉन प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा न्यूरॉन वेंट्रल रूट से बाहर निकला जा रहा हुई, और तीसरा न्यूरॉन डॉर्सल रूट से बाहर निकला और वो इधर गया। न्यूरॉन आपस में फ्यूज हुए क्या? नहीं, नर्व फ्यूज हुए, न्यूरॉन फ्यूज नहीं हुए, न्यूरॉन कभी भी फ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन फ्यूज नहीं हुए, नर्व फ्यूज हुए, ठीक है। ये जो ऊपर का न्यूरॉन का डॉर्सल पार्ट था वो रैमस डॉर्सलिस में गया, वेंट्रल पार्ट का जो न्यूरॉन था वो रैमस वेंट्रलिस में गया, यानी सेपरेटेड थे और सेपरेटेड ही गए, ठीक है। अब ये पूरे सर्किट में होता क्या है, कोई भी मैसेज अगर आ रहा है, जैसा फॉर एग्जांपल स्किन, स्किन तुमने अगर गर्म बर्तन पर हाथ रखा, सादा वाला एग्जांपल लेते, हॉट ऑब्जेक्ट को तुमने छुआ, टच किया, तो गर्म चीज जैसे ही छुओगे तुम, तुम्हें तकलीफ होगी, कुछ तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ तो भी प्रॉब्लम होगा, इरिटेशन होगा, एक्सपायर कुछ भी होगा, वो जो इरिटेशन हो रहा है वो किसको हो रहा है, स्किन को, तो स्किन में जो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो रिसेप्टर ने वो मैसेज दिया, और रिसेप्टर ने मैसेज किसको दिया, रैमस वेंट्रलिस, ये जो रैमस वेंट्रलिस है ना, इसका नाम है रैमस वेंट्रलिस, और ऊपर वाले का नाम है रैमस डॉर्सलिस। तो रैमस वेंट्रलिस को मैसेज दिया और रैमस वेंट्रलिस ने वो मैसेज भेजा आगे, तो रैमस वेंट्रलिस किसके तरफ मैसेज भेज रहा, वेंट्रल नर्व के तरफ, तो रैमस वेंट्रलिस ने वेंट्रल नर्व को मैसेज दिया, वेंट्रल नर्व ने वो मैसेज वेंट्रल रूट को दिया, यहाँ पे आया वो वेंट्रल नर्व से वेंट्रल रूट में, वेंट्रल रूट से वेंट्रल हॉर्न में, और वेंट्रल हॉर्न में आने के बाद ये दूसरे न्यूरॉन को मिला मैसेज, ठीक है। तो ये जो है ये दूसरा न्यूरॉन है सेकंड नंबर का, फिर ये सेकंड नंबर के न्यूरॉन ने किसको दिया मैसेज, तीसरे न्यूरॉन को, ये तीसरा न्यूरॉन यानी कौन सा नर्व है, डॉर्सल नर्व, तो डॉर्सल नर्व को मैसेज दिया, डॉर्सल नर्व किसको दे रहा है मैसेज, रैमस डॉर्सलिस को, रैमस डॉर्सलिस है नहीं है, तो रैमस डॉर्सलिस को मैसेज दिया। अब जहां से मैसेज आया था वहीं पे मैसेज का आंसर जाएगा या दूसरे जगह पर जाएगा, अगर मैसेज फॉर एग्जांपल तुमने कोई गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ तो पाम से आया लेफ्ट हैंड पर, तो लेफ्ट हैंड वाले पाम से अगर मैसेज आया तो मैसेज का रिप्लाई भी लेफ्ट हैंड को जाएगा या राइट हैंड को जाएगा, यानी गर्म बर्तन पर लेफ्ट हैंड रखे और ऊपर अपन राइट हैंड, उसमें क्या है, जहां से क्वेश्चन आया वहीं पे आंसर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली रैमस वेंट्रलिस से मैसेज आया, रैमस डॉर्सलिस मैसेज लेके जा रहा है, तो रैमस वेंट्रलिस जहां से लेके आया मैसेज वहीं पर रैमस डॉर्सलिस देके आएगा ना मैसेज, या अलग जगह पर देके आएगा, वहीं पर देके आएगा, जहां से लेके आया वो मैसेज वहीं पर देगा, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बड़ा स्पेसिफिक है, इस चीज से पता चलता है डिस्ट्रीब्यूशन है स्पाइनल नर्व का वो बड़ा स्पेसिफिक है, यानी काफी नेटवर्क में स्प्रेड है, काफी नेटवर्क में स्प्रेड है, जैसा फॉर एग्जांपल ये रैमस वेंट्रलिस की एकाधी ब्रांच अगर एक्सपोजिशन पर है तो एक्सपोजिशन पर रैमस डॉर्सलिस की भी ब्रांच प्रेजेंट है, ये नेटवर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसा आर्टरी और वेन का नेटवर्क पड़े थे अपन सर्कुलर डिजीज, जहां पे आर्टरी प्रेजेंट है वहां पे वेन रहेगी ही रहेगी, जहां पे वेन प्रेजेंट है वहां पे आर्टरी रहेगी नहीं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं अपन, क्योंकि अगर आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है तो ऑटोमेटिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने के लिए भी अपने को वेन, अरे टाउन प्लानिंग में भी ऐसा ही देखते हैं, कॉर्पोरेशन का अगर नल का पाइप कहीं पर है उसी नल के पाइप की हेल्प तुम्हें सीवेज का पाइप भी देखने मिलेगा, कॉमन एंटिटी है, क्योंकि नल का पाइप जा रहा है इसका मतलब कोई कंज्यूम करने वाला है ना कंज्यूमर उधर, अब कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर है इसका मतलब वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा, तो वेस्ट को लाने के लिए दूसरी लाइन लगेगी ना अपने को, तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है, वैसा ही यहाँ पे अगर एक चीज प्रेजेंट है इसका मतलब दूसरी चीज ऑटोमेटिकली समझ में आता प्रेजेंट होती है। अब ये तीसरा पार्ट जो बीच में बैठा है न्यूरॉन, ये जो तीसरा न्यूरॉन है ये न्यूरॉन को नाम दिया गया एसोसिएटिव न्यूरॉन, क्या नाम दिया गया एसोसिएटिव न्यूरॉन, और एसोसिएटिव न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है एसोसिएटिव न्यूरॉन, डायग्राम में देखो ना कहाँ प्रेजेंट है वो एसोसिएटिव न्यूरॉन, लैटरल हॉर्न में नहीं है, लैटरल हॉर्न ये वाले पार्ट को बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसके, ये जो डॉटेड लाइन बनाई हुई है, ये डॉटेड लाइन की इधर का जो पार्ट है ये है लैटरल हॉर्न, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट कौन सा है, यही तो खेल है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन
डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट ऐसा बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट बिटवीन डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। क्यों? क्योंकि डिमार्केशन की लाइन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तुम बता नहीं सकते कि वेंट्रल हॉर्न कहाँ तक है, डॉर्सल हॉर्न कहाँ तक है। बता सकते क्या? कोई लाइन प्रेजेंट है क्या वहाँ पे? कोई लाइन प्रेजेंट नहीं है, कोई ऐसा एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट नहीं है। इसीलिए अपन बोलते समय बोलते कि एसोसिएटिव न्यूरॉन इज प्रेजेंट बिटवीन लैटरल रूट सॉरी डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट के बीच में जो जगह प्रेजेंट है वहाँ पे प्रेजेंट है एसोसिएटिव न्यूरॉन। एसोसिएटिव न्यूरॉन का क्या काम है? एसोसिएटिव न्यूरॉन का काम है एसोसिएट करना। एसोसिएट करना यानी मैच द पेयर करना। जो क्वेश्चन आया उस हिसाब से आंसर फ्रेम करना, वो काम है एसोसिएट। इसीलिए तो नाम दिया उसको एसोसिएशन। एसोसिएशन करना यानी जो सेंसरी न्यूरॉन लेके आया मैसेज उस न्यूरॉन के हिसाब से वो आंसर फ्रेम करके मोटर न्यूरॉन को आंसर दे। बस उतना ही काम। तो ये पूरे सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका है? उसी का एसोसिएट। वो जो मैसेज आ रहा है उस हिसाब से आंसर देने का काम है। अगर ये एसोसिएटिव न्यूरॉन बराबर तरीके से काम नहीं कर पाए तो प्रॉपर आंसर दे पाएगा क्या वो मोटर नहीं? प्रॉपर आंसर दे नहीं पाएगा तो आगे प्रॉब्लम होगी। प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा तो आगे जो होने वाला फंक्शन है वो नॉर्मल होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए एसोसिएटिव न्यूरॉन का प्रॉपरली फंक्शन करते रहना बहुत एसेंशियल है। अब अगर ये एसोसिएटिव न्यूरॉन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो ये किसको पूछेगा? जैसा एक्स वाई जेड क्वेश्चन आया एसोसिएटिव न्यूरॉन के पास सेंसरी न्यूरॉन लेके, और वो क्वेश्चन आखिरी में मैं बातें मत करूँगा, आखिरी बार नहीं, चार पाँच दिन से ऑब्जर्व कर ऐसा बताऊंगा ना अभी। एसोसिएटिव न्यूरॉन जो है ये एसोसिएटिव न्यूरॉन नहीं दे पा रहा आंसर। एक्स वाई जेड क्वेश्चन आया उसके पास और वो बहुत डिफिकल्ट है, उसके आंसर को फ्रेम नहीं कर पा रहा है एसोसिएटिव न्यूरॉन। अब ये एसोसिएटिव न्यूरॉन फ्रेम नहीं कर पा रहा वो आंसर को, पर इसको मैसेज को देना है, रिप्लाई को देना है इफेक्टर ऑर्गन को। अब मैसेज देना है तो ये कहाँ से लाएगा उसका आंसर? वो खुद तो बना नहीं पा रहा। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, ब्रेन को हायर सेंटर को। तो अब यहाँ से ब्रेन तक कैसे जाएगा मैसेज? क्वेश्चन इज दैट ये तो स्पाइनल कॉर्ड में है ना मैसेज अभी, तो स्पाइनल कॉर्ड में। और अपन कौन सा सेक्शन देख रहा है? थोरैसिक लेवल का। बढ़ते समय बताया था तुमको कि ट्रांसवर्स सेक्शन लेते समय अपन थोरैसिक का कट ले रहे हैं, सर्वाइकल और लंबर का नहीं ले रहे क्योंकि वहां पे स्पेलिंग देखने में भी एडिशनल कर चुके हैं। तो अपन थोरैसिक लेवल पर कट करके देख रहे हैं। अब थोरैसिक लेवल पर कट करके अपन ने सेक्शन दिया। अब थोरैसिक लेवल पर एसोसिएटिव न्यूरॉन जो है उसके पास मैसेज है, तो वहां से उसको मैसेज भेजना है ऊपर ब्रेन की तरफ, तो वहां से ब्रेन तक मैसेज कैसे जाएगा? तो वो मैसेज लेके जाने के लिए भी एक फाइबर होना चाहिए। तो स्पाइनल कॉर्ड के हर लेवल से ब्रेन की तरफ मैसेज जाने के लिए फाइबर्स प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं ट्रैक। क्या बोलते हैं जिसे? ट्रैक्स। और ये ट्रैक्स दो तरह की रहती, एक रहती असेंडिंग ट्रैक और एक रहती डिसेंडिंग ट्रैक। असेंडिंग ट्रैक नीचे से ऊपर जाती है यानी कहां से कहां जा रही है? स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ। और डिसेंडिंग ट्रैक ऊपर से नीचे आ रही है यानी ब्रेन की तरफ। तो मैसेज ब्रेन की तरफ कौन लेके जाएगा? असेंडिंग। ब्रेन से लेके कौन आएगा? डिसेंडिंग। अपने पास काफी सारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक होते हैं यानी स्पाइनल कॉर्ड में हर रीजन में वैरी करते हैं। अराउंड 16 टू 18 असेंडिंग ट्रैक प्रेजेंट होते हैं एंड अराउंड 12 टू 13 डिसेंडिंग ट्रैक। ये जो ट्रैक है, ट्रैक आर नथिंग बट बंच ऑफ फाइबर्स। बंच ऑफ फाइबर्स के जब काफी सारे न्यूरॉन इकट्ठा हो जाते हैं तो फाइबर बन जाता है, और काफी सारे फाइबर अगर इकट्ठा आते हैं तो ट्रैक बन जाती है। जो मोटा वाला वायर होता है वो वायर को जब देखते हैं अपन, जिसके अंदर छोटे 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 काफी सारे वायर्स हैं और हर एक वायर के अंदर मेटल के फाइबर्स प्रेजेंट है, बिल्कुल वो जो बंच है बिल्कुल वैसा ही होता है। अब ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक से आसानी से वो न्यूरॉन अपना मैसेज कहां भेज सकता है? हायर सेंटर। पर ये ट्रैक की जरूरत हमेशा पड़ेगी क्या? ये ट्रैक बनाए इसलिए, देखो प्राइमरी फंक्शन तुमको समझाने के लिए तो बोला मैं, ये एसोसिएटिव न्यूरॉन को जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो, जो एसोसिएटिव न्यूरॉन को समझ में नहीं आया उसका आंसर ढूंढने के लिए ब्रेन के पास मैसेज भेजना पड़ेगा, उसके लिए उसने ट्रैक बनाया। पर ब्रेन इसका इस्तेमाल अलग तरीके से करता, ब्रेन ये ट्रैक का इस्तेमाल करता स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर विजन रखने के लिए कि स्पाइनल कॉर्ड बराबर काम कर रहा है या नहीं। ये जो ट्रैक था ये डायरेक्टली ब्रेन से निकली है, तो ब्रेन की आईज है वो स्पाइनल कॉर्ड में, वो ट्रैक बताते रहती है ब्रेन को कि स्पाइनल कॉर्ड बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम होता है स्पाइनल कॉर्ड में तो सबसे पहले ब्रेन को कौन बताता? ट्रैक बताता। और ट्रैक में हमेशा असेंडिंग ट्रैक ही बताता, डिसेंडिंग ट्रैक का नहीं बताता। ये डायग्राम में ट्रैक बताना पॉसिबल नहीं, ये डायग्राम में ट्रैक नहीं बता सकता। ट्रैक बताने के लिए अपने को कौन सा डायग्राम लेना पड़ेगा? वर्टिकल सेक्शन लेना ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड के साथ। वो ट्रांसवर्स सेक्शन है, डीएस है ना वो स्पाइनल कॉर्ड का, डीएस में ट्रैक नहीं दिखा सकते अपन। और वैसे भी ये जो ट्रैक है ये ट्रैक के बंडल माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी नेकेड आई से विजुअलाइज नहीं कर सकते तुम, ये नेकेड आई से विजुअलाइज नहीं कर सकते।
ठीक है समझेगा नहीं। दिस इज अबाउट फाइनल पार्ट। अगर फाइनल पार्ट का क्वेश्चन पूछता है तो आपने को ये दोनों डायग्राम निकालनी, ऊपर की भी और नीचे की, नर्व भी दिखने चाहिए ठीक है। क्या ऊपर का डायग्राम को ही इतना बड़ा बनाओ कि उसमें ये नर्व भी आ जाए, ये वाला कंपोनेंट यहीं पे आ जाए ऐसा बड़ा बना, और उसके लिए फिर क्या होता है लेबलिंग जो है वो लेबलिंग हैम्पर्ड हो जाती है, क्योंकि एज पर रूल लेबलिंग कौन सा साइड में करनी है। अब ये रूल्स है पेपर लिखने के, उसको बांध के रखने का, लेबलिंग हमेशा राइट साइड में, मैं कोई भी डायग्राम में लेबलिंग इस साइड में नहीं करता। अगर उस साइड जगह नहीं हो तो एक आधी लेबलिंग करता है, नहीं तो कभी इस साइड लेबलिंग नहीं करता। मैं जितना भी कंजेस्टेड क्यों ना लेबलिंग इसी साइड करता, क्योंकि एज पर रूल लेबलिंग और पूरे के पूरे लेवल्स एक के नीचे एक आने चाहिए बराबर, यानी दिखने में अच्छे दिखने चाहिए, नहीं तो एक लेवल इधर जा रहा दूसरा लेवल दूसरे कोने में जा रहा वैसा नहीं, ठीक है समझे यानी शेड देते नहीं बैठने का। जैसा मैंने यहाँ पे शेड दिया ना, ये डार्क कलर चौक है मेरे पास, आसानी दे दी है शेड देना, तुमने शेड नहीं देने का, तुमने बस लिख देने का ग्रे मैटर व्हाइट मैटर का, अंडरस्टैंड है तो समझ में आता। अगर एग्जामिनर आपने जितना ही बेहतर होगा तो आपने हाल उसके हाल से अगर थोड़ा सा होशियार होगा तो समझ लेगा, बिना थोड़ी बात कोई अलग नहीं। अब सबसे लास्ट पार्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये तो स्पाइनल कॉर्ड पढ़े, इसका पूरा तो पढ़ लिया, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन बोलो जल्दी। पहला फंक्शन हुआ इट एक्ट्स एज अ रिले सेंटर और कंट्रोल मेनी रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है मेनी रिफ्लेक्स एक्शन यानी अपने बॉडी के 80% ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है स्पाइनल। इसका मतलब ये जो एसोसिएटिव न्यूरॉन है ये वैसे देखा जाए तो बहुत शार्प, क्योंकि 80% रिफ्लेक्स का जवाब दे रहा है, बहुत होशियार है शार्प, ठीक है। एक आध दूसरे रिफ्लेक्स में ही ब्रेन को इंडल जाना पड़ता, ब्रेन को बीच में आना पड़ता, नहीं तो काफी हद तक प्रॉब्लम एसोसिएटिव न्यूरॉन ही सॉल्व कर देता है, यानी स्पाइनल बॉडी काफी रिफ्लेक्स के आंसर दे देता है, ब्रेन को बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ती, इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक आध दूसरे काम में ही ब्रेन को बीच में आना पड़ता। अदर फंक्शन, पहला फंक्शन हो गया रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर के तौर पर बिहेव करता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड एक्ट्स एज अ सेंटर और रिले फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन। हां कंडक्शन ऑफ बराबर, तो कंडक्शन कर रहा है किस किस का, सेंसरी और मोटर इंपल्स, और इंपल्स किस कौन से तरह की हो सकती है, एक होती है सेंसरी एक होती है मोटर, और स्पाइनल का स्पाइनल नर्व जो है ये स्पाइनल नर्व में इंपल्स कैसी है, सेंसरी है कि मोटर। डायग्राम देखो स्पाइनल नर्व क्या बोलते हैं, दोनों है तो क्या बोलते हैं, ऐसी इंपल्स जिसके पास सेंसरी कंपोनेंट भी और मोटर कंपोनेंट भी है, क्या नाम देंगे उसको, सब्जी बनाई अपन बिल्कुल करना, और चार पांच सब्जियों को मिक्स कर दी तो मिक्स बोले ना उसको, ये भी मिक्स नर्व हो गए, अरे सेंसरी नर्व मोटर नर्व दोनों को कंबाइन कर दो मिक्स नर्व, नोमेनक्लेचर सिस्टम तो समान ही है, तो यहाँ पे इस्तेमाल करो या पेट के लिए इस्तेमाल करो वो समान ही है, क्योंकि नाम देने वाले अपन ही है, तो सब्जी ने खुद को नाम दिया, भेंडी ने खुद को भेंडी बोली है, अरे अपन ने नाम दिया ना, तो अपन जनरली कोई टेंडेंसी से नाम देते, नोमेनक्लेचर सिस्टम अपना वही सही है, अपना नोमेनक्लेचर अपने तरफ नाम कैसे रहेंगे अपने बिलीफ के हिसाब से, अपने हिसाब से, जैसा आपने इंडिया में विलियम वगैरह नाम देखने के लिए नाम याद कीजिए, आइंस्टाइन एल्बर्ट आइज़ैक ऐसे नाम देखते देखते क्या अपने नाम नहीं देखते, यूरोपीय कंट्रीज में जाओगे तो आगे बोल सकते क्या तुम राम ऐसा नाम देखने के लिए नाम नहीं देखते थे, उधर हर चीज का एक अपना जोन रहता ना, तो वो कल्चरल जोन जो है वो काफी हद तक इम्पैक्ट डालता है, तो ये जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है ये उसी तरीके से लाया गया, तो ये सब जो स्टडी है ये मोस्ट पिक्युलरली किन्होंने की है, वेस्टर्न वर्ल्ड्स ने की और वेस्टर्न कंट्री ने की हुई स्टडी, अपन ने की हुई नहीं है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम है इस मामले में, इसको छोड़कर बाकी के जो चीजें उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज्यादा है। और कोई है क्या फंक्शन, पहला हो गया रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करा, दूसरा हो गया सेंसरी और मोटर इंपल्स सप्लाई, और कोई तीसरा फंक्शन है वो ट्रैक क्या कर रहा है, ये जो ट्रैक है ये ट्रैक क्या कर रहा है, इसको किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड हेल्प इन कनेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी विद द ब्रेन,
बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को किसके साथ कनेक्ट कर दिया फाइनल पार्ट, किसके जरिए से या किसके मदद से, ट्रैक्ट के मदद से ना, तुझे बोलने का बार बार बोला वर्ड बड़ी स्पेसिफिक होते, जहाँ पे जो वर्ड यूज किया वहाँ पे वही वर्ड यूज करना, ट्रैक्ट तो ट्रैक्ट, फाइबर तो फाइबर, रूट तो रूट, ऑन तो ऑन, नॉर्थ तो नॉर्थ, क्लियर। तो ऐसे तीन फंक्शन हफ्ते को हमेशा याद आने चाहिए किसके, स्पाइनल कॉर्ड के। क्लियर, तो ये अभी कंप्लीट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या कंप्लीट किया अपन ने, नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद दूसरा सिस्टम कौन सा है, ठीक है। थैंक यू, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली।